मैं बहुत नाम सुना हूँ यहाँ पहलवान रस्सी का। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और बहुत ज्यादा नाम मैं सुना कि यहाँ बनारस का श्रृंगार गौरी मामला जो है उसके अच्छा, बारे में सुना। जी जी बिल्कुल सुना। क्या लगता है कोर्ट का डिसीजन है उसके बाद? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है जी। बनारस खुश है? जी बिल्कुल खुश है। और भी लोगों से बात करूंगा। इंडिया खुश है सर? पूरा इंडिया खुश है जी। बिल्कुल इंडिया खुश है। कहाँ से? समस्तीपुर बिहार। बिहार से? जी जी। सुना चाहिए भाई, आगे भी यही होगा, जो शिवलिंग में मिला था वो भी अपने ही पक्ष में आएगा ना। बाबा का सब कृपा है, नंदी भगवान इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आना चाहिए ना। वो शिवलिंग ही है, अगर फव्वारा है तो चला के दिखा दे वो लोग, और क्या, अगर फव्वारा है तो चला दीजिए ना उसका। बहुत लोगों ने कहा, आप कह रहे हैं फव्वारा है, चला तो दीजिए उसे, कैसे चलाएंगे। बनारस का मूड समझना हो, माहौल जानना हो और आप पहलवान लस्सी ना आए तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यूपी तक की मौजूदगी इस वक्त पहलवान लस्सी पे है और जो स्पॉट है पूरा बनारस आकर एक हो जाता है। और ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आपकी जीव लपलपाएगी जब आप मलाई लस्सी देखेंगे कि किस तरह से कुल्हड़ों में इनको रखा जा रहा है और यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते हैं, बड़े बड़े कलाकार भी आते हैं, हस्तियां आती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, बैठते हैं और यहाँ की लस्सी पीते हैं। और तस्वीरें देखिए, तीन दुकानें अगल बगल, तीनों दुकानें पहलवान लस्सी की और ये इस तरह से लस्सी बनती है। पहले हम इन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? विनोद यादव। ये बताइए कि अभी श्रृंगार गौरी वाला मामला तो क्लियर हुआ है, अब उसको लेकर सुनवाई होनी है, कैसे देख रहे हैं? अरे बहुत खुशी है कि जो हम लोग के पक्ष में आ गया और माता रानी का भाई, अब तो हम लोग दर्शन भी कर सकेंगे, पहले तो नहीं कर पा रहे थे मगर अब कर सकेंगे। बहुत हर्ष है, बहुत खुशी है, है कि नहीं? आपको क्या भी तो खुशी है? क्या लग रहा है अब आगे इसके बाद क्या होगा? होना चाहिए भाई, आगे भी यही होगा, जो शिवलिंग में मिला था वो भी अपने ही पक्ष में आएगा ना। बाबा का सब कृपा है, नंदी भगवान इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी आना चाहिए ना, है कि नहीं? ये भाई साहब बगल में जो इनके खड़े हैं, देखिए इनसे ही बात करूंगा मैं। ये कुल्हड़ में निकाल रहे हैं, क्यों भाई, लस्सियां बन रही हैं? हाँ सर बोलिए। हाँ अरे, जो मैं कह रहा हूँ मंदिर वाला मामला है, श्रृंगार गौरी वाला पूजा सुनवाई होगी, पहले सुनवाई भी नहीं हो सकती थी। तो एक आम बनारसी या आप यहाँ दुकान में 10 लोगों से मिलते हैं, लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं? यहाँ चर्चा ये है कि जो सरकार चाहेगी अच्छा ही चाहेगी, अगर सरकार के हाथ में है सरकार दोनों पक्ष को देखेगी, ऐसा तो नहीं है भाई। नहीं नहीं, कोर्ट का मामला है ये तो ना। हाँ सॉरी कोर्ट का ही मामला, कोर्ट भी देखेगा तो अच्छा ही निर्णय लेगा, खराब नहीं लेगा सर। आप श्रृंगार गौरी वाले मामले से खुश हैं? एकदम भैया, बेशक भैया। अरे क्यों नहीं भैया, मुस्कुरा रहा एकदम भैया। पहलवान लस्सी की तस्वीरें देखिए, लस्सी देखिए, और मैं बाहर आऊंगा और बात करूंगा और तमाम लोगों से जो यहाँ पर आए हुए हैं और लस्सी पी रहे हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, समझूंगा कि आखिर वो इस पूरे बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्यों जैसा श्रृंगार गौरी वाला आया है, क्या कहेंगे इस पर? कहेंगे कि भाई इनकी बढ़िया लस्सी है और क्या कहें। अच्छा, सुनवाई योग्य हो गया है मामला, अब क्या लगता है आगे और राह किधर जा रही है? अब देखिए, इसके बारे में हम बता नहीं सकते, भैया से पूछिए यही। तो भाई अच्छा, श्रृंगार गौरी मामला जो है अब सुनवाई योग्य हो गया है, कोर्ट ने कल ऑर्डर किया है, क्या कहेंगे इस पर? कौन चीज का हम बात? श्रृंगार गौरी, अच्छा बाहर से आए हैं, और भी देखिए क्यों श्रृंगार गौरी वाला। मैं बहुत नाम सुना हूँ यहाँ पहलवान रस्सी का। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और बहुत ज्यादा नाम मैं सुना कि यहाँ बनारस का श्रृंगार गौरी मामला जो है उसके अच्छा, बारे में सुना? जी जी बिल्कुल सुना। क्या लगता है कोर्ट का डिसीजन है उसके बाद? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है जी। बनारस खुश है? जी बिल्कुल खुश है। और भी लोगों से बात करूंगा। इंडिया खुश है सर? पूरा इंडिया खुश है जी। बिल्कुल इंडिया खुश है। कहाँ से? समस्तीपुर बिहार। बिहार से? जी जी। बिहारी भी काफी यहाँ पर है, कुछ यूथ है, आप लोग यंग है, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या नाम है? जी गौरव नाम। आपने देखा होगा अभी श्रृंगार गौरी वाला मामला चल रहा है, सुनवाई ओके हो गई है, क्या लगता है आपको, डायरेक्शन सही जा रहा है मामले का पूरा? जी जी, हम लोग कोर्ट के साथ हैं, शांतिप्रिय तरीके से कार्य हो और हम लोगों के धार्मिक जगहों के और भी कैरिडोर से मिलाकर और भी आगे चल के अच्छे से कार्य हो और सारे लोग सनातनी है, सनातनी लोगों को भी पूजा। क्या लगता है अंदर जो मिला है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है फवारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, आपको क्या लगता है क्या है? हमको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना डिसीजन ले लूं, मतलब एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो वहाँ तो शिवलिंग होना चाहिए। तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं, वो आ रहे हैं, ये देखिए तमाम भीड़ यहाँ पर, दूर दूर से लोग आते हैं और लस्सी का लुत्फ लेते हैं, मजा लेते हैं और जाते हैं। यहाँ पर बनारस बहुत खुश है। क्यों मैम, आप यहाँ बनारस से हैं, बाहर से आई हैं? नहीं,
कहाँ से आए आप लोग? देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तमाम तरीके के लोग हैं लस्सी का आनंद ले रहे हैं। क्यों भाई? अरे श्रृंगार गौरी वाला मामला हुआ है, ज्ञान वापी वाला, इसमें लेकर क्या कैसा लग रहा है आपको जो डिसीजन आया है? इसी का माहौल है पूरे काशी में जी। काशी मुस्कुरा रहा है। लस्सी कैसी है? लस्सी बढ़िया है। बढ़िया है लस्सी जी जी। बनारस से बड़ी मांग क्या है? ऐसा क्या है लस्सी? इनका लस्सी थोड़ा सा अच्छा होता है और जगह की अपेक्षा जी। तो ये जो मिठास है, ये मिठास तो बनी रहेगी ना बनारस में? जी बिल्कुल बनी रहे, होना तो चाहिए, ऐसा ही लोग यहाँ के उम्मीद कर रहे हैं जी। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि सब बिक गए हैं। लगाने दीजिए, जो उनका मन है अपना बकते रहे, बकने से कुछ थोड़ी ना होगा, जो वास्तविकता है वो सच सामने आएगा ही एक दिन। अच्छा, जिसको मुस्लिम पक्ष फवारा कह रहा है और हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, आपको क्या लगता है वो क्या है? ऑब्वियसली मतलब वो शिवलिंग है, बाबर ने उसको मतलब जो भी तोड़ के जहाँ जहाँ भी हम लोग का मंदिर था वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया, ये उसकी पॉलिसी थी वहाँ पर उसको मतलब मंदिर को हटाने की। लेकिन आज के डेट में मतलब बनारस खुश है क्योंकि लग रहा है कि फैसला हम लोग के ही मतलब आएगा। खुश लग रहे हैं आप? क्या ज्योतिर्लिंग हो सकता है? मतलब देखिए क्या होता है, जो आएगा तो सब लोग देखेंगे सामने। चर्चाएं क्या होती है आप लोग इस मामले में? आप यूथ हैं, क्या बातचीत हो रही है? बातचीत यही हो रही है कि फैसला तो हम ही लोग के पक्ष में आएगा ही, जो वास्तविकता है वो कभी कभी छिपेगी नहीं, होगा ही। देखिए और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर, एक एक करके यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं पहलवान लस्सी का मजा लेने। इन भाई साहब से ही बात करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। क्यों भैया? अरे ज्ञानवापी वाला मामला बहुत चल रहा है आजकल, क्या लगता है जो जो श्रृंगार गौरी है वहाँ पर जो फैसला आया है सुनवाई होने योग्य, क्या कहेंगे? नो कॉमेंट्स। तो आप देखिए तमाम लोग यहाँ से निकले हैं, लस्सी लेने आए हैं, तो इनसे भी मैं आखिरी एक सवाल ले लेता हूँ जो लस्सी बना रहे हैं। यादव जी आगे क्या, जो एक पक्ष कह रहा है फवारा है, एक पक्ष कह रहा है वो शिवलिंग है, आपको क्या लगता है? वो शिवलिंग ही है, अगर फवारा है तो चला के दिखा दे वो लोग, और क्या, अगर फवारा है तो चला दीजिए ना उसका। बहुत लोगों ने कहा, आप कह रहे हैं फवारा है, चला तो दीजिए उसे, कैसे चलाएंगे है? फवारा था तो पानी के अंदर था कि पानी के बाहर था? फवारा कहाँ होता है, पानी के बाहर के अंदर? अंदर होता है, शिवलिंग को डुबा करके उसी में आप वजू कर रहे हैं, तब तक छुपा कर रखेंगे भगवान को? भगवान ये यहाँ पर बनारसियों की आवाज है, साफ कहा है, आखिर कब तक छुपा कर रखेंगे भगवान को? फिलहाल श्रृंगार गौरी केस को लेकर ये काफी खुश है, अब देखना यह है कोर्ट आगे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। कैमरामैन संदीप के साथ समझ श्रीवास्तव, वाराणसी, यूपी रखा।